वैसे मॉडल ड्राइंग कोई रॉकेट साइंस है तो नहीं। मॉडल ड्राइंग करने के लिए आपको सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, नहीं एक्चुअली चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो है आपकी बाइक, दूसरी चाहिए आपको एक एक्शन कैमरा, और तीसरी आपको चाहिए एक हेलमेट। कोई सा भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चौथी जो चीज़ है वो चाहिए कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है ताकि आप कैमरा के सामने से या कैमरा के पीछे से आप बोल सको। ये कॉन्फिडेंस बड़ी काम की चीज़ है। तो थंबनेल और टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, आपको तो पता ही है कि इस वीडियो को किस चीज़ के बारे में होने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, ये एक्शन कैमरा जब आप हेलमेट पर लगाते हो, जब आप माउंट करते हो, तो आप तो या तो फिर मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा उससे भी आप माउंट कर सकते हो, या तो फिर आप ये स्ट्राइक भी खरीद सकते हो बाजार से। मैंने एक रिटेल शॉप से लिया था, ये कुछ 800 रुपये का, लेकिन बेकार की चीज़ है। वैसे ये बैंड तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन लेकिन जो प्रॉब्लम इससे मेरे को हुई वो है इसकी जो ये चीज़ है ये टूटती रहती है। तो मेरा भी ये टूट गया था, और काफ़ी इजी सी प्रोसेस है इसे लगाने के लिए, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। लेकिन ये जो चीज़ है वो काम की नहीं है, वैसे उतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो मैं आपको आज दिखाऊंगा कि कैसे मैं अपना हेलमेट पे एक्शन कैमरा माउंट करता हूँ। तो देखते रहिए वीडियो। ये एक्शन कैमरा आपको हेलमेट में माउंट करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, वो है ये माउंट। अगर ये माउंट आपके पास नहीं है तो आपकी जो केसिंग है, जो वाटरप्रूफ केसिंग है, उससे भी आपका काम चल जाएगा। एक वाइपिंग क्लॉथ चाहिए, एक एमसील चाहिए, एक पेंसिल चाहिए, और ये माउंट चाहिए। इसके पीछे ऑलरेडी सीएम टेप लगा हुआ है, और ये मुझे कंपनी से ही मिला था ये प्रोडक्ट परचेस करने के वक्त। और ऐसा एक जे माउंट चाहिए आपको, और मैं यूज़ करता हूँ नॉइस प्ले ब्लॉक एडिशन की एक्शन कैमरा। अगर आपको इसकी डिटेल रिव्यू चाहिए तो मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी है ऑलरेडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली यू नीड अ हेलमेट, हेयर आई यूज़ द THH हेलमेट, इसकी भी अलग से मैंने एक रिव्यू बना के रखी है, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाके चेक कर सकते हो। सो नाउ यू नो व्हाट यू हैव, एंड नाउ आई विल टेल यू व्हेन टू यूज़ व्हाट। ओके, सो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक दिस वाइपिंग क्लॉथ, एंड विद दिस यू नीड टू, वंस अगेन यू नीड टू क्लीन द सर्फेस ऑफ द हेलमेट वेयर यू आर गोइंग टू स्टिक योर एक्शन कैमरा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे, तो मैं एक्शन कैमरा जो है यहाँ पे माउंट करूँगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से मैं अपनी एक्शन कैमरा माउंट करूँगा यहाँ पे मेरे हेलमेट पे। और ये ऐसी टेढ़ी वेढ़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी एंगल ख़राब हो सकती है। और जब भी आप अपनी एक्शन कैमरा अपनी हेलमेट पे आप माउंट कर रहे हो, तो आपको ये समझ के लगाना होगा कि जब भी आप मोटो ब्लॉगिंग करते हो बाइक पे, तो आपकी जो कैमरा एंगल की जो रेशियो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपको 40:60। इसका मतलब आप बाइक शो करेंगे 40%, और अदर व्यूज़ आप दिखाना, और अदर व्यूज़ आपको दिखाना होगा ऑलमोस्ट फॉर 60%। इसका मतलब ये है, बाइक दिखाने का रीज़न ये है कि जब भी आपका व्यूअर्स आपकी वीडियो देखेगा, तो उसको ये फीलिंग आना चाहिए कि वो ही बाइक चला रहा है। तो दिस इज़ वाई दिस से आई हैव ऑल्सो सॉ दिस इन अ वीडियो, दैट्स द रीज़न आई एम टेलिंग यू ऑल, ब्लॉगिंग कैमरा एंगल शुड बी ऑफ 40:60। ठीक है, आफ्टर यू नो वेयर टू माउंट योर एक्शन कैमरा, देन आफ्टर दैट क्लीन द एरिया वेयर यू विल बी माउंटिंग योर एक्शन कैमरा। सो आई विल बी माउंटिंग माई एक्शन कैमरा हेयर लाइक दिस। ओके, सो नाउ आई विल बी क्लीनिंग दिस एरिया विद दिस वाइपिंग क्लॉथ और वॉट एवर, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्लॉथ जस्ट यू कैन जस्ट क्लीन इट, जस्ट रब इट सो दैट, जस्ट रब इट लाइक दिस सो दैट देर इज नो डर्ट अराउंड दिस, सो इट कैन स्टिक वेरी वेल। ओके, सो जस्ट अ नॉर्मल क्लीनिंग जस्ट लाइक दिस, जस्ट वाइप द क्लॉथ इन दिस पैटर्न एंड सी देर इज नो काइंड ऑफ एनी डर्ट आउट हियर। सो नाउ इज़ द टाइम यू हैव टू यूज़ दिस एमसील। एमसील के अंदर आपको ये दो ऐसे छोटे छोटे पैकेट मिलेंगे, तो आपको ये दोनों को एक साथ आपको मिक्स करना होगा। ठीक है, सो आई टेल यू हाउ टू डू इट। ओके, सो आफ्टर टेयरिंग द एमसील आपको इधर एक काला भाई मिलेगा, एक गोरा भाई मिलेगा, और इन दोनों को आपको आपस में मिक्स करते रहना है जब तक कि इनका कलर एक ना हो जाए। ठीक है, तो अभी
गोरा भाई काला भाई को थोड़ा सा लेने का इधर, और इधर गोरा भाई को भी थोड़ा सा लेने का, ठीक है। सेम अमाउंट आपको लेना है, और फिर आपको ऐसे इसको मिक्स करते रहना है जैसे आपकी मर्जी, जैसे जब हम छोटे थे क्ले की हम आइटम्स बनाते थे वैसे ही आपको इधर इसको मिक्स करते रहना है। एक टाइम आएगा जब इन दोनों की कलर, अभी आपको कलर में डिफरेंसेस आपको मिल रही है, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब समझना कि ये रेडी है। Now see there, both the colors have been mixed and now I can stick this to this, okay. So मेरा जो CM tape था वो अभी मैंने इसके back side पे मैंने इसको चिपका दिया है, और now when you know that where to stick or mount this action camera, when you have found the place in your helmet, so what you have to do now, you have to put this end seal on behind this. ओके, सो इसको अभी चिपकाने का है इसके साथ बिहाइंड द 3mm टैग, ओके। नाउ जैसे कि मैंने वो 3mm टेप के ऊपर मैंने ये एम सील चिपका दिया है, नाउ आई हैव टू प्लेस दिस थिंग दिस माउंट ऑन माई हेलमेट। सो आई ऑलरेडी नो द प्लेस वेयर टू माउंट दिस, सो आई विल बी माउंटिंग दिस अकॉर्डिंग टू दैट प्लेस, ओके। नाउ आई नो वेयर टू माउंट दिस ऑन माई हेलमेट, सो मुझे वहाँ पे चिपका देना है ऐसे, और चिपकाने से पहले आपको देख लेना है कि टेढ़ी वेढ़ी तो नहीं है, नहीं तो आपकी एंगल्स में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको चिपका देना है एंड मेक श्योर इट्स स्ट्रेट लाइक दिस। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जगह इसकी खाली ना हो, ताकि इसको प्रॉपर जो है बेस मिल सके। अगर बेस अच्छी नहीं होगी तो ये कभी भी बाहर आ सकता है और आपकी एक्शन कैमरा डैमेज हो सकती है। तो मेक श्योर दैट द बेस इज क्लियर, ओके। और नाउ यू कैन सी माय हेलमेट लुक्स काइंड ऑफ लाइक दिस, और यहाँ पे थोड़ी सी गैप्स है नीचे क्योंकि माय हेलमेट इज अ बिट कर्व्ड टुवर्ड्स डाउन साइड। तो मेरे पास और भी एमसील बचा हुआ है, उससे मैं यहाँ पे थोड़ी सी जो है बेस डाल दूंगा, ताकि ये इसको एक अच्छी सी बेस मिल सके, ठीक है। नाउ इफ यू ऑल कैन सी आई हैव प्रोवाइडेड अ सॉलिड बेस अंडर इट, तो ये कभी भी अभी ऐसे बाहर आएगा नहीं। नाउ सी इट्स स्टिक्ड, सो बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू प्रोवाइड बेस। अगर बेस अच्छी नहीं होगी तो इट कैन बी डैमेज्ड एनी टाइम। जितना भी बेस मैं इसको दे सका मैंने यहाँ पे दे दिया, और अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे कोई भी जगह ऐसी खाली नहीं है। नाउ इट्स रॉक सॉलिड ऑलमोस्ट, इसको सुखाना है इसके बाद 12 से या 14 घंटा आप इसको सुखाओगे तो ये रॉक सॉलिड हो जाएगा। तो इसके बाद हमें चाहिए ये जे माउंट, और ये जे माउंट हमें डालना है इस माउंट के अंदर। तो मैं इसको डाल देता हूँ इसके अंदर, जैसे कि नाउ यू कैन सी दैट माय जे माउंट हैज़ बीन माउंटेड विद दिस। सो नाउ यू हैव टू टेक दिस माउंट एंड पुट इट ऑन योर कैमरा। सो इफ यू डोंट हैव दिस माउंट, आपका जो केसिंग है, जो वाटरप्रूफ केसिंग है, वो भी आप इसके ऊपर माउंट कर सकते हो। तो मेरे पास ये माउंट है तो मैं इजीली इसको
अपने कैमरा के ऊपर मैंने इसको जो है लगा दिया। नाउ व्हाट विल बी आई डूइंग इज दैट आई विल पुट दिस थिंग इनसाइड द जे माउंट। ओके, सो आफ्टर पुटिंग दिस थिंग इन द जे माउंट आई हैव दिस स्क्रू एंड आई विल पुट इट इनसाइड दिस जस्ट लाइक दिस। ओके, सो आई कैन इजिली टाइट इट और लूज इट एज पर माई नीड्स और एज पर द एंगल वॉट आई वॉट काइंड ऑफ एंगल आई नीड। सो ये कुछ इस तरह दिखेगा और इसको आप टाइट भी कर सकते हो, आप लूज भी कर सकते हो। सो वॉट टाइप ऑफ एंगल यू नीड ऑन बेसिस ऑफ दैट, आप इसे यूज कर सकते हो किसी भी एंगल को बदलने के लिए या फिर डिपेंडिंग व्हाट बाइक यू आर राइडिंग ऑन। अगर आप एडवेंचर टूर चला रहे हो तो आपकी एंगल थोड़ी शायद ऐसी रहेगी ऊपर की तरफ क्योंकि वो बाइक थोड़ी ऊंची है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो तो एंगल उसकी ऐसा रहना चाहिए थोड़ी नीचे, ऑन बिकॉज ऑन स्पोर्ट्स बाइक यू हैव टू लीन अ बिट। सो आप एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो भाई दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। सो आफ्टर प्रिपेयरिंग इट इट विल बी लुकिंग काइंड ऑफ लाइक दिस। इसके बाद आपको ये चीज़ को ड्राई करने के लिए आपको 12 या 14 घंटा आपको कहीं पे रख देना है, अंडर सनलाइट हो तो बेहतर है। तो इससे जो है ये बहुत ही अच्छी जो है इसको ग्रिप मिल जाएगी, ये टाइट हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू प्रेस द थम्स अप बटन एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ यू डे। टिल देन चेज़ अस एंड फील द विंड एंड कीप मूविंग। बाय।